नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं काफी अद्भुत जगह है। जब आप आराम से बैठते हैं और वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो आप हमारे आसपास के जीवन की विविधता से सहमत होंगे। यहाँ हमारी भूमि काफी शानदार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी भी कुछ स्थान ऐसे हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही पांच वैज्ञानिक रूप से असंभव स्थानों के बारे में जो वास्तविक में मौजूद है। पांचवें नंबर पर है इंद्रधनुष पर्वत। इसे पृथ्वी पर सबसे अनोखी और शानदार भूवैज्ञानिक विशेषता के रूप में माना जाता है। इंडीज वर्तमाला या जिसे अन्यथा इंद्रधनुष पर्वत के रूप में जाना जाता है, पेरुंग इंडीज में स्थित है। एक नजर में आप देख सकते हैं कि यह परिदृश्य कितना अनोखा और रंगीन है। यहाँ रहस्य यह है कि प्रत्येक रंगीन परत एक अलग खनिज संरचना का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम सब कुछ एक साथ देख रहे होते हैं तो लगता है कि किसी फिल्म का दृश्य है। यहाँ के स्थानीय लोग इस क्षेत्र को बहुत पवित्र मानते हैं और कई लोग यहाँ अपनी दैनिक पूजा करने आते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह क्षेत्र सदियों से चले आ रहे मौसम के बुरे प्रभाव और प्रकृति की परिपूर्ण प्रतिभाओं का एक नमूना है। चौथे नंबर पर है जादुई चक। अफ्रीका को अपने बिल्कुल सूखा रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, हालांकि विशेष रूप से एक डेजर्ट है जहां आपको एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है। आज तक कोई नहीं बता पाया है कि वह ऐसा क्यों है। इस रेगिस्तान को दक्षिण अफ्रीका में नामीब रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। यहां जमीन में लाखों रहस्यमय प्रतिमा आकार है। इन्हें विज्ञान की दुनिया में जादुई चक्रों से जाना जाता है। कुछ लोग इन्हें परियों के चक्र भी कहते हैं, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। वे दरअसल मिट्टी का ढेला मात्र है। इस जगह पर यह रहस्य प्रतिमा आकार 12 फीट से लेकर 114 फीट व्यास तक के हैं। तीसरे नंबर पर है मार्विले गुफा। मार्विले गुफा 5 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है। इस क्षेत्र को समझना असंभव है। दुनिया के बाकी हिस्सों इस क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। इस गुफा को 1986 में खोला गया था सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रोमानिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए। एक जगह की तलाश कर रहा था वे। एक ऐसे क्षेत्र की तलाश में थे जिसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा हो। आपको लगता होगा कि ये जगह अंदर से बिल्कुल सुनसान होगी और यहाँ कोई जीव नहीं होगा। अत्यंत विशिष्ट और पहले अनदेखे सेंटीपेड्स, लिचेस, मकड़ियाँ और यहाँ तक कि बिच्छू सहित 40 से अधिक विभिन्न प्रजातियाँ वहाँ थी। दूसरे नंबर पर है रिंगिंग रॉक्स। क्या आप बता सकते हैं कि जब आप पहाड़ों को हथौड़ा मारते हैं तो कौन सी आवाज आती है? अगर आपको लगता है कि मुलायम या कठोर ध्वनि या फिर झनकार या चिल्लाने का शोर, तो मुझे भी ऐसे ही लगता था। पेनिसिल्वेनिया के एक राज्य में ऐसी चट्टानों का एक समूह है जो कि पूरी तरह से अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न करती है। एक अच्छी तरह संगीत को जानने वाला यहाँ अच्छा संगीत बजा सकता है, अगर वह सही चट्टानों का प्रयोग करे तो। रिंगिंग रॉक्स काउंटी पार्क पेनिसिल्वेनिया में लगभग 8 एकड़ में फैला है। जब भी आप इन्हें हथौड़ा किसी छोटे औजार से मारते हैं तो ये चट्टान एक अजीब पर बहुत अच्छी झनकार उत्पन्न करती है। पहले नंबर पर है कुटिल वन। पश्चिम पोलैंड में टेढ़े मेढ़े पेड़ों के जंगल हैं। इनमें से कुछ अजीब से दिखने वाली वनस्पतियों का एक पूरा जंगल है जिसे आप शायद कभी देख पाएंगे। एक नियमित पेड़ कैसे दिखता है? उनके पत्ते होते हैं और एक पेड़ का तना होता है और वे आमतौर पर सीधे ऊपर और नीचे जाते हैं। हालांकि कुटिल जंगल के पेड़ों में आपको एक अलग ही अजीब नजारा देखने को मिलेगा। यह जानना कठिन है कि इन देवदार के पेड़ों के आधार में 90 डिग्री का मोड़ क्यों है। वे बेहद अजीब दिखते हैं और यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं जो इस तरह दिखते हैं। तने में लगभग 3 से 9 फुट के क्षेत्र में 400 अलग देवदार के पेड़ों में कहीं ना कहीं ये अनोखा बैंड है। ऐसा क्यों हुआ, इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। कुछ सुझाव है कि एक उद्देश्य के लिए ऐसा किया गया था, लेकिन किस कारण से किया गया इसका कोई भी पूरी तरह से निश्चित उत्तर नहीं है। जबकि दूसरों का सुझाव है कि ये विकृत एक बड़े हिमपात की वजह से हो सकती है। हालांकि इसका कोई सटीक जवाब नहीं है जिसे हर कोई स्वीकार कर सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसी 5 जगह जो पृथ्वी पर है तो पर बहुत ही अलग है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।